Hi, my name is Ayazuddin. I am the founder of the staffingcircle.com. आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर. एजुकेशन पोस्ट कोविड एक ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें बात करनी चाहिए हमारे बच्चों से, हमारे भाइयों से, लड़कों से और लड़कियों से, क्योंकि एजुकेशन से ही आप प्रोग्रेस कर पाते हैं. आपके जितने भी सपने होंगे, आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं पाते. तो एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है. एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ अब्रॉड में या फिर ओवरसीज में सेटल करना चाहते हैं, तो आपको एजुकेशन हेल्प करता है वहाँ के वीज़ा के लिए, इमिग्रेशन के लिए. एजुकेशन एक ऐसा हथियार है हमारे लिए जिससे कि हम कौन सा भी दरिया पार कर सकते हैं और कौन सा भी वॉर जीत सकते हैं जिंदगी का. लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि हम एजुकेशन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं और एजुकेशन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भाई बहन किसी के लिए भी कैसे इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हम एजुकेशन में कौन से एरिया में आकर सेल हो जाते हैं. सोचिए आप कि आपकी ज़िंदगी के आप 20 साल एजुकेशन में लगाते हैं. बच्चा छोटा होने से नर्सरी, LKG, किंडरगार्टन से लेकर सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी, एसोसिएट डिग्री, डिग्री, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स को अगर आप देखेंगे, तो हमारी जो एजुकेशन की अप्रोच ये होती है कि हम एज ए पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, हमारी स्टडीज़ के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते, ना ही हमारे माँ बाप हमारे एजुकेशन के ऊपर सपोर्ट दे पाते हैं, क्योंकि उनको खुद बहुत सारी एरियाज़ की नॉलेज नहीं होती है. तो वो लोग ये एजुकेशन का जो मैटर है वो स्कूल पर डालते हैं या कॉलेज पर डालते हैं या यूनिवर्सिटी पर डालते हैं या फिर खुद वो स्टूडेंट के ऊपर डाल देते हैं कि वो स्टूडेंट खुद से डिसाइड कर ले अपने बारे में कि वो करना क्या चाहता है. लेकिन जो जिसके पास खुद नॉलेज नहीं हो वो किस बारे में डिसाइड कर पाएगा? तब वो स्टूडेंट और वो जो बंदा होता है दूसरों के पास जाता है, मशवरे लेता है. बहुत सारे मशवरे सही होते हैं, बहुत सारे गलत हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उन मशवरों का जो भुगतान होता है वो बंदा खुद ही भुगतता है ज़िंदगी में. तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि हम हमारे 20 साल ज़िंदगी के, चाहे हम उसमें कॉन्शियसली डिसीजन लिए हो, हमारे पेरेंट्स ने लिया हो या ना लिया हो, हम ये 20 साल को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मरहला मसला बन जाता है. अगर आप आपके पास डिग्री है, मास्टर्स है, अगर आपके पास एक जॉब नहीं है, आप एक जॉब नहीं सिक्योर करते, तो आपको जानना चाहिए कि आपने आपके पेपर्स क्या चुने, आपने आपकी डिग्री कौन सी चुनी या मास्टर्स क्या चुना, आपके अंदर कौन सी ऐसी स्किल है जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वीकनेस की कौन क्या चीज़ है आपने आइडेंटिफाई किया, और क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मेरे स्ट्रेंथ के बिना पर, मेरी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ के बिना पर, कि मुझे कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, क्या आपने ये चीज़ों को कभी एनालाइज किया है कि लाइफ में मैंने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट मुझे अच्छा दिखता था और मैं अब अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ. ये बहुत सारे एनालिसिस होते हैं एक बंदे के लिए डिसाइड करने के लिए फ्यूचर में कि अपने 20 साल को मैं कैसे प्रोडक्टिव बनाऊँ. हमारे माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमें इसी चीज़ पर ना छोड़ दें कि हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं वो ना देखें. उन लोगों की जिम्मेदारी ये भी है कि स्कूल में पढ़ने के अलावा भी अगर आप कुछ और स्किल्स को घर में डेवलप करवाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं और उसको ग्रो होने में हेल्प करते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अपनी औलाद, बच्चे, भाई बहन को बढ़ाने में, आगे पढ़ाने में और ग्रो करने में. लेकिन बात फिर वहीं पर आके अटक जाती है कि हमारे पेरेंट्स अगर इन्फॉर्म डिसीजन हम उनकी लाइफ में ले सकते तो फिर कितना अच्छा हो जाता कि हम भी हमारी ज़िंदगी में इन्फॉर्म डिसीजन लेकर हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, हम वो बन सकते हैं. लेकिन बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, टोटली यानी कि लीजर हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, ताकि उनको खुद का टाइम मिले, खुद की ज़िंदगी मिले. 9 to 5 बच्चों को बाहर भेजा देना और 5 से आकर 1 घंटा घर में रखकर 6 to 8 ट्यूशन भेजा देना,
और कभी नहीं देखना कि मेरे बच्चे के स्किल्स क्या है, एबिलिटीज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो जब बच्चा वो बड़ा होकर अपने चीज़ों के बारे में फैसले करना शुरू करता है, क्योंकि उसके माँ बाप के पास वो एबिलिटी नहीं थी, वो रोल नहीं निभा सके जहाँ पर बच्चे की ग्रोथ में वो लोग कॉन्ट्रीब्यूशन देते। हमें बहुत चीज़ें सीखनी है, जैसा बच्चे की ग्रोथ, लर्निंग स्टेजेस, बच्चे के कौन से ख्यालात को कैसे हम एड्रेस करना चाहिए और कैसे उसकी अच्छाइयों को उभारना चाहिए, कैसे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें माशरे में सीखनी है, सिखानी है। तो ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ने के बाद अगर हमें कोई एक जॉब भी हम सिक्योर नहीं कर पाते तो हम वैसी पढ़ाई को क्यों चुनते हैं, वैसे कामों को क्यों चुनते हैं। ये मौजू हमारे वीडियो का यही है कि हम हमारे ज़िंदगी के बारे में, जो हमारे 20 साल है, इंसान की लाइफ आज सोसाइटी में 60 साल है, 60 साल में से जब वो इंसान 40 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसकी वैल्यू सोसाइटी में से ख़त्म हो जाती है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता है, वो लोगों के ऊपर बर्डन बनना शुरू हो जाता है। ये ऐसे तसव्वुरात हैं ज़िंदगी के जो कोई भी एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता या फिर कोई भी बात भी करना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो, आपका लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो आपको अपनी लाइफ को 360 डिग्री एंगल से उठाना होगा, अवेयरनेस लानी होगी, समझ बूझ डेवलप करनी होगी, ताकि आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपका जो करंट सराउंडिंग है, वो आपको शेप अप करता है। आपके भाई आपको शेप अप करते हैं, आपके दोस्त आपको शेप अप करते हैं, आपके टीचर आपको शेप अप करते हैं, आपका माहौल एनवायरनमेंट आपको शेप अप करता है। तो जब आप 20 साल का ड्यूरेशन एजुकेशन में देकर, जानकर बूझकर आगे बढ़कर सेलेक्टिव जो आपके इंटरेस्ट है एरिया से जान लेकर आप जब बाहर निकलेंगे तो आपकी वैल्यू टॉप मोस्ट होगी और आप खुद अपनी स्किल और एक्सपर्टीज में कॉन्फिडेंट होंगे लोगों से बात करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। बहुत सारे एरियाज होते हैं जो हम 20 साल में डेवलप नहीं कर पाते, जैसा कि बहुत सारे जिन्हें टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन फंक्शनल कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स में वो बहुत पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल नॉलेज रहने के बावजूद वो लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते, उनके पे पैकेजेस आगे नहीं बढ़ते, वो दुनिया में प्रोग्रेस उतनी आगे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एक स्किल की कमी है, वो स्किल की कमी है उनके सॉफ्ट स्किल, वो कम्युनिकेशन स्किल्स। जॉब्स के अंदर रिसर्च ये बताती है कि हमारे 20-30% ही टेक्निकल काम होता है, 70-80% जितना होता है वो कम्युनिकेशंस होती है, वो स्किल्स होती है जो हमें डेवलप करनी होती है। कम्युनिकेशन आपके पास अगर नहीं रही, सॉफ्ट स्किल्स अगर आपके पास नहीं रहे, आप किसी से बात नहीं कर पाते, लैंग्वेज स्किल्स आपके पास नहीं रही, तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आपको जानना है कि आपके पास कोर एरियाज में एक्सपर्टीज रहनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज रहनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन में एक्सपर्टीज रहनी चाहिए और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर में डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हो। आपको सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको स्किल एक्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर ये आप डिग्री पढ़ते हैं कोई डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और आप एक डिवाइस को नहीं बना सकते, आपके पास डिग्री है बैचलर से ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर, अगर आप बना नहीं सकते तो वो 4 साल की 3 साल की डिग्री का फ़ायदा ही क्या होता है आपके लिए, आपकी समझ बूझ के लिए। तो हमारे लोग पढ़ाई से भागते हैं, हम खुद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, हमारी चीज़ों से भागते हैं, हमारी सोच से भागते हैं। तो हमें चाहिए कि हम वही चीज़ जानें, वही चीज़ पढ़ें, वही चीज़ के ऊपर काम करें जो हम पसंद करते हैं, जिससे हमें भागना नहीं पड़ेगा, जिससे हमें दूर जाना नहीं पड़ेगा। जब तक हम ये चीज़ों को सोच नहीं लेते, जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, हमारी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आने वाला नहीं है। और हमारी जो स्किल्स, स्ट्रेंथ, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज और डेवलपमेंट स्किल्स जो होते हैं, इसके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में धक्के खाते फिरेंगे, एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ, एक सर्टिफिकेशन के लिए दूसरे सर्टिफिकेशंस की तरफ, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ। अल्टीमेट गोल लाइफ का ये होना चाहिए कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल होना चाहिए। पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल जो लाइफ होती है, इंसान के 3 जो डायरेक्शंस होते हैं, उसमें आपकी कामयाबी होना ज़रूरी है। अगर आप एक भी एरिया में फेल हो जाते हैं तो आपके हर एक जो दूसरा एरिया है वो अफेक्ट करता है और इम्पैक्ट करता है। लाइफ में, ज़िंदगी में, ज़िंदगी बनाना, ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी अच्छे से गुजारना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है,
ना कि अच्छा जॉब मिल जाना या फिर पैसों की तरफ अपनी ज़िंदगी को बिताते चले जाना। ज़िंदगी में सभी को लेकर साथ चलना इम्पॉर्टेंट है। हमारे रिश्तेदार को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहनों को, दोस्त को, हमारे पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी को बिताना है। और ज़िंदगी का जो मकसद हमें बताया गया है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, वो मकसद को जानना ये सभी का कर्तव्य है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ों को जान जाएंगे, जब आप ये चीज़ों को समझ जाएंगे, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आएगा और एक बहुत बेहतरीन आप ज़िंदगी बिता सकेंगे। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कैसे हम जो प्रोफेशनल लाइफ को अप्रोच करें, प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट क्या है, कॉर्पोरेट स्किल्स डेवलपमेंट क्या है, सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको सोचना है आपकी पढ़ाई के अलावा। आप जिस किसी भी स्टेज में हो, आप जानिए कि आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होगा, आपको फैसला क्या लेना है। अगर आपको मदद चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँगा, प्रोफेशनल करियर पाथ्स के बारे में बात करूँगा और आपके पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा। मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप sayedayazuddin.com वेबसाइट में मेंशन करूँगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।